और जनाब क्या चल रहा है जनाब? हिंदुस्तान में तो दिल कमरिया मोरी ये चल रहा है। बात तो सही है। स्कूल में जाओ पतली कमरिया, कॉलेज में जाओ पतली कमरिया, यूनिवर्सिटी में जाओ पतली कमरिया, हर जगह सिर्फ पतली कमरिया। तो आज मीजू की ताजा खबर शुरू करते हैं पतली कमरिया से। क्या बात है। झारखंड में एक स्कूल के 6 लड़के क्लासरूम के अंदर दिखाया खुद के कलाकारी। शर्ट के बटन खोल के सूसे हुए आम जैसा बॉडी दिखा के क्लासरूम के अंदर लड़की की तरह ऐसे ऐसे करके पतली कमरिया गाने पे ठुमका लगा रहा था। जब ये वीडियो वायरल हुआ प्रिंसिपल ने 6 कलाकारों को ऑफिस रूम में बुलाया और उसके बाद इतना अच्छा ठुमका लगाने के लिए 6 बच्चे को स्कूल से बाहर कर दिया। एक लड़के डांस करते हुए और 5 लड़के उसके साथ देते हुए और एक जो वीडियो बना रहा था 7 बच्चों को तुरंत हमने आइडेंटिफाई करके उसको बुलाया। 7 बच्चों को निलंबित करते हुए 3 दिन का समय उन्हें दिया गया है। सस्ता नौरापति बनने का कोशिश ना मिट्टी में मिल गया। साला स्कूल आते हो पढ़ाई करने, ये क्या है कटली पतली कमरिया, पतली कमरिया, पतली कमरिया। ठीक हुआ, अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला खबर है बिहार से। प्यार अंधा होता है ये कहावत तो सुना ही होगा। एक लड़की को इंग्लिश सीखने का मन था, ट्यूशन भी ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है ना। बट दुख की खबर ये है इंग्लिश सीखने से पहले टीचर से प्यार हो गया। ओह शिट। बट असली मजा तो अब आने वाला है। तो सुनो, स्टूडेंट 20 साल की थी और टीचर की उम्र लड़की से थोड़ा बहुत ज्यादा था, मतलब 30 साल बड़ा था। 50 साल के टीचर और 20 साल की स्टूडेंट, वाओ भाई क्या मोहब्बत है। फिर क्या, सीधा शादी करना पड़ा। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। चाचा की खुशी देख रहे हो, कभी सोचा भी नहीं था कि बेटी की उम्र वाली बीबी मिलेगी। इसे कहते हैं नसीब। साला तुम कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट जॉब का पावर प्यार में सबसे आगे ही रहेगा। सही पकड़े हैं। प्यार का माहौल चल रहा है तो प्यार से रिलेटेड और एक खबर है, और ये खबर है यूपी से। एक पत्नी पति को जेल भेज दिया और आरोप ये लगाया कि ये पति चोर था और इन दोनों के 5 बच्चे थे। फिर कुछ दिन बाद ये महिलाएं 5 बच्चे को छोड़कर खुद के प्रेमी के साथ भाग गई। कह दो कि ये झूठ है। सच में यार, ये प्यार के चक्कर बहुत बेकार होता है। कोई 50 साल के टीचर से, कोई 5 बच्चे की माँ से, यार ये क्या चल रहा है? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? I don't know. ठंड का मौसम मतलब शादी का माहौल है। एक दूल्हा शादी करने के लिए सज धज के आया। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पे जब बैठा, ये दुल्हन अचानक गुस्सा हो गया। जब लोग दुल्हन से पूछा कि अरे बहन क्या हुआ, फिर दुल्हन ने बताया कि ये दूल्हा तो बुड्ढा है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। कितना अच्छा था लड़का है, नौकरी वाला है। हाँ। नौकरी है तो नौकरी लेकर के हम चाटेंगे क्या? हर सुख हाँ? मिलेगा आपको। इस बुड्ढा के न मुंह में दांत है न पेट में हाथ होगा, बताओ ना इसके दिया में तेल होगा, हमको क्या सुख मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, हम नहीं करेंगे इससे शादी। ओ भाई गजब बेइज्जती है ये, गजब बेइज्जती। बुड्ढे के पास पैसा तो है बट दिया में तेल नहीं है। साला बुड्ढा हो गया फिर भी शादी करने आया है एक यंग लड़की के साथ, कुछ शर्म आया है। नेक्स्ट खबर है एक चोर से रिलेटेड। एक चोर चोरी क्यों करते हैं? बीवी बच्चे को पालने के लिए या फिर पैसा चाहिए इसीलिए। बट आपने कभी ईमानदार चोर देखा है? एक चोर 10,000 रुपया चुराया, उसके बाद ये पैसा गरीब में बांट दिया। कैसा लगा चोरी करने बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछतावा हुआ सर। अरे पछतावा हुआ क्यों? कि गलत काम कर दिया। भाई तू चोरी करना छोड़ दे और स्टैंड अप कॉमेडी कर, बहुत आगे जाओगे। मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिलेगा 10,000। 10,000 क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया सर। गरीब लोग को बांट दिया। यार हमारे एरिया का एमएलए से तो अच्छा काम ये चोर कर रहा है। गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी, खाली लोगों से पड़े रहते हैं, कम्बल कम्बल जो भी कम्बल उम्बल सब बांटे। चोरी करके इंसान जानवर को कंबल बांट दिया, सोचो। और कुछ पॉलिटिकल लीडर के पास कंबल बांटने का पैसा आता है? ये लोग खुद मतलब डिजिटली चोरी करते हैं, और ये देखो फिजिकली चोरी करके लोगों को कंबल बांट रहा है। इसे चोर नहीं, एक ईमानदार नागरिक का अवार्ड मिलना चाहिए। बट ये बात सच नहीं है, सच तो एकदम बिल्कुल नहीं है। ये साला पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है, इतना ईमानदार कोई नहीं होता है, पता है ना आप सबको। ये चोर से रिलेटेड और एक तगड़ा खबर है, और ये खबर है एमपी से, मध्य प्रदेश से। एक बंदा चोरी करने आया, पता है कैसे? लड़की के कपड़ा पहन के, ताकि लोग पहचान ना पाए। दिमाग देख रहे हो, ये लोग ये दिमाग सिर्फ इस तरह के काम में क्यों लगाते हैं बे? अलग काम में लगाओ ना, देश आगे बढ़ेंगे। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। ये चोर लड़की के कपड़ा पहन के चोरी करने आया और एक साथ 1,50,000 का सामान चोरी करके ले गया।
डेढ़ लाख सोचो। ये चोर 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 मचाए शोर। आजकल ये चोर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग सामान चोरी कर रहा है और कुछ लोग सीधा गर्लफ्रेंड को ही चोरी करके ले जा रहा है। गर्लफ्रेंड चोरी कैसे होता है, एक्सप्लेन करना जरा। ये बहुत लंबा कहानी है तो सुनो। पहले तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के बाद मतलब ऐसा प्रूफ करेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद बेस्टी, 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 ये मेरा बेस्टी है, सब कुछ वही है। फिर उसके बाद देखना तुम्हें लात मार के वो ले जाएगा। साला भगवान तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हो बे लोग। खैर छोरो, आज के मीजू की ताजा खबर यहाँ पे खत्म करते हैं। कौन सा न्यूज आपको ज्यादा फनी लगा कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बिंदास मीजू यहाँ पे लिखा है। तो बस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, आज के लिए बात इतना ही। तेरी बिना मैं, मेरी बिना तू जी ना सकते हम दोनों।